एक बार की कहानी है। ये कहानी शायद आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी और कई बार सुनी होगी, लेकिन असल जिंदगी में और वर्तमान समय में इस कहानी की कितनी ज़रूरत हमें है ये शायद मैं और आप भलीभांति समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में आग लग जाती है। जब जंगल में आग लग जाती है तो जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर भागने लगते हैं। हर जानवर, हर बड़े से बड़ा जानवर उस जंगल को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया उस आग की ओर बढ़ती है जहां जंगल में आग लगी थी। वो चिड़िया एक तालाब के पास जाती है, उस तालाब से अपनी चोंच में जितना पानी आता है उतना पानी भरती है और फिर जंगल की ओर भागती है जहां पर आग लगी हुई थी। उस आग को बुझाने की लगातार कोशिश करती है। 3 से 4 बार जब वो पानी लेकर जंगल में जाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है तो उससे एक उल्लू टकराता है और उल्लू उससे कहता है कि तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हारे इस प्रयास से क्या होगा, जंगल की आग बुझ जाएगी, कभी नहीं। तब चिड़िया बहुत अच्छा उत्तर देती है। तब चिड़िया कहती है कि मैं इस जंगल की आग बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं, लेकिन मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान स्वरूप में भी कोरोना जैसी आग हर जगह लगी हुई है, जहां अपने अपनों का साथ छोड़कर दूर भाग रहे हैं। लेकिन कोशिश सिर्फ हमें और आपको करनी है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता। वो कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भारत फोड़ेगा क्या, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर करेगा तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इस वक्त इंसान को ही इंसान की बेहद जरूरत है। जो लोग ठीक होकर आए हैं मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। सोशल मीडिया आप में से तमाम लोग चलाते हैं, आप में से तमाम लोग आजकल ऐसी पोस्ट देख रहे होंगे जिन्हें ब्लड की आवश्यकता होगी, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी, जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता होगी, जो कतारों में खड़े हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। उस मैसेज को आप अनदेखा भी कर देते होंगे, लेकिन हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि उस मैसेज को अनदेखा ना करें। अगर आपको कुछ जानकारी मालूम है तो उसे शेयर जरूर करें, उसे लिखें जरूर, क्योंकि आपकी कोशिश किसी अपने की जान बचा सकती है। क्योंकि ये वक्त सिर्फ हाथ बढ़ाने का है, एक हाथ हमने बढ़ाया है, एक हाथ आप भी बढ़ाएं, ठीक उस चिड़िया की तरह।